आज हम अध्याय 15 अनुनासिकी जनकों से 97 तक पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग मीन्स होता है कि उसमें वो मादा है या फिर नर है, ये क्या होते हैं लिंग को बताता है, जिसमें क्या होता है लिंग का निर्धारण होता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे मान लो जैसे फीमेल है ना, जो मादा होती है उसको एक्स एक्स से डिनोट किया जाता है ना, और जो नर होता है उसको एक्स वाई से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो नर और मादा चाहे जितने भी हो, उसमें जो क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र रहती हैं वो 46 होती है। कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 अगर इसमें कमी हो गई या फिर अधिकता हो जाती है तो क्या होती है, गुणसूत्र में क्या हो जाती है, गुणसूत्र परिवर्तन के कारण हम बहुत बड़ी बीमारी से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें ये 23+23 जोड़े में क्या होती है, पाई जाती है ना। गुणसूत्र की संख्या 23+23 जोड़े में क्या होती है, पाई जाती है। तो जैसे मान लो ये जो है एक्स एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो मादा को प्रदर्शित कर रहा है, एक्स वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है, नर को प्रदर्शित कर रहा है। जिसमें जब देखो नर और मादा के बीच जब संकरण कराया गया है ना, किसके किसके बीच, नर और मादा के बीच, ये क्या है मादा है और ये क्या है नर है, जब इनके बीच जब संकरण कराया जाता है, ठीक है, ये क्या है मादा, ठीक, ये क्या है नर, तो इनके बीच जब संकरण कराया जाएगा तो इस तरह से एक्स 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 और ये वाई, इस तरह से अब इनके बीच जब संकरण कराया गया तो इसमें से इसके साथ जो क्रिया होगी तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा, इनका इनके साथ जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा, इनका इनके साथ जब क्रिया होगा तो एक्स एक्स, और इनका इनके साथ जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा। तो लिंग का निर्धारण मतलब लिंग के द्वारा क्या हो गया, देखो जब ये मादा और नर के बीच जब संकरण कराया गया तो क्या हुई, देखो ये एक्स एक्स है तो एक्स एक्स किसको प्रदर्शित कर रहा है, मादा को प्रदर्शित कर रहा है ना, जो क्या होगी ये पुत्री सेल है, कैसी है पुत्री सेल है, ये क्या है ये पुत्र है ना, इसको क्या बोल सकते हो पुत्री और ये पुत्र, ये क्या होंगे पुत्री और ये क्या होंगे पुत्र। तो देखो इस ये जो लिंग निर्धारण है जिसमें क्या हुए दो, क्या बोलना चाहिए, दो पुत्री की प्राप्ति हुई और दो क्या हुए, दो पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से क्या किया जाता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते